Students, today we will study fractions and this is chapter number 4 from the textbook Gulmohar. Now, what are we going to learn in this chapter? हम इस lesson के end में समझ पाएंगे कि हम fractional numbers को कैसे add और subtract कर सकते हैं या फिर हम multiplication या division fractional number का किस तरह कर सकते हैं. तो चलो कुछ warm up कर लेते हैं, कुछ recall कर लेते हैं. तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, किस टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं ये हमने पढ़ा था क्लास 4 में. तो फ्रैक्शंस जिसमें एक जैसे डिनोमिनेटर होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1/5, 2/5, 4/5. यहाँ पे न्यूमरेटर डिफरेंट है बट डिनोमिनेटर सेम है. सो ये हो गए लाइक फ्रैक्शंस. नाउ फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है उनको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन. जैसे कि 1/5, 2/7, 5/8. अब इसमें इन तीनों के ही डिनोमिनेटर अलग अलग हैं. और एक फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. जिसमें ये न्यूमरेटर जैसे कि 1/5 है तो इसमें, या फिर 2/5 ले लेते हैं चलो. तो 2/5 में 2 न्यूमरेटर है एंड 5 इज डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर तो ये है एक प्रॉपर फ्रैक्शन. सिमिलरली 3/7, 5/9. सो ऑल थ्री फ्रैक्शंस ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जाम्पल है. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जस्ट रिवर्स होगा. जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका रिवर्स हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसका मतलब कि न्यूमरेटर उसमें बड़ा है और डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द न्यूमरेटर. सो सच टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एंड अब मिक्स नंबर क्या होता है? मिक्स नंबर वो नंबर होता है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर का और एक फ्रैक्शन का. तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, ये एक होल नंबर है, 1 इज द होल नंबर एंड 1/4 इज द फ्रैक्शन. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन. मिक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन. अब आ जाते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इसमें इन सबकी, सभी फ्रैक्शंस की सेम वैल्यू होती है. जैसे कि 1/2 हो गया, 2/4 हो गया या 4/8 हो गया. तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इनका एक ही वैल्यू आएगा. सो दीज फ्रैक्शंस आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो जैसे कि हमने इसमें देखा 2/4, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/8 आ गया. अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 आ गया. तो ये एक जैसे ही फ्रैक्शन है. हम कैसे तैसे करके इनका आंसर एक जैसा ही आता है. तो ये हमने, ये जो भी दे रखा है ये इस बॉक्स के थ्रू हमने समझा दिया है. नाउ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट इफ द क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ वन फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर ऑफ द अदर आर इक्वल. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कब इक्विवेलेंट होते हैं? जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे. हमने टू फ्रैक्शंस ले लिए जैसे कि 1/2 एंड 4/8. अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सिमिलरली 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इनका जो भी आंसर आएगा वो इक्वल आएगा. सो दीज फ्रैक्शंस आर प्रूव टू बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नाउ कन्वर्जन. अगर हमें 7/3 जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? वी विल टू कन्वर्ट 7/3 इंटू अ मिक्स नंबर डिवाइड 7/3. तो 7 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? जो कोशेंट होगा वो होल नंबर होगा मिक्स नंबर का. रिमाइंडर जो होगा वो न्यूमरेटर होगा एंड डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, सेम रहेगा. तो इसी तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया 7/3 को. तो कोशेंट हमारा होल नंबर आया तो होल नंबर हम इधर लिख देंगे. रिमाइंडर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा एंड जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा. सो दिस इज अ वे टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. अगर हमें सिमिलरली एक मिक्स फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? हम उसका करेंगे न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर. तो होल नंबर को इससे पहले मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड वी विल एड इट विद द न्यूमरेटर एंड वी गेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन. एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम. डिनोमिनेटर वैसा का वैसा रहेगा. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 इज इक्वल टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स 5 इटसेल्फ. सो द आंसर वुड बी 13/5. नाउ कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. अब हम फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है? सो फॉर दिस वी, व्हाट वी डू इज
द फ्रैक्शन विद अ बिगर न्यूमरेटर इज बिगर. अगर कोई लाइक फ्रैक्शंस है तो उसमें अगर कोई नंबर न्यूमरेटर का बड़ा है तो वो बिगर होगा. जैसे कि 4/7 और 2/7 यहाँ दे रखा है, तो इसमें 4 इज ग्रेटर देन 2 एंड सिंस दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर सेम है, सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन. नाउ अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो वहां क्या करें, अब उसमें क्या करना चाहिए हमें, हमें उसको पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम उसको कन्वर्ट करेंगे विद एलसीएम एज डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को हम एलसीएम के तरह लेंगे एंड देन वी विल कंपेयर द लाइक फ्रैक्शंस. जैसे कि हमें एग्जाम में दिया गया कि 2/5 और 3/4 में कंपेयर करो और बताओ कि विच वन इज ग्रेटर. सो एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 निकालेंगे पहले, दैट इज 20. वॉट इज एलसीएम? एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मतलब ऐसा कॉमन मल्टीपल हमें ढूंढना है जो कि लीस्ट हो, छोटा हो. नाउ 2/5 में हम इसको कन्वर्ट किया, हमें 20 चाहिए, तो हम इसको 4 से ऑब्वियसली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 4 8 एंड 5 4 20. सिमिलरली 3/4 में अगर हमें 20 डिनोमिनेटर बनाना है, वील मल्टीप्लाइड बाय 5. सो 3 5 15, 4 5 20. एंड वॉट आंसर वी गेट इज अ लाइक फ्रैक्शन. अब लाइक फ्रैक्शन में इट इज ईजी टू कंपेयर विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर. तो 15/20 इज ग्रेटर देन 8/20 एंड देयर फोर आर आंसर वुड बी दैट 3/4 इज ग्रेटर देन 2/5. सो दिस वे हम कन्वर्ट कंपेयर कर सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को. नाउ हियर आर सम ऑफ द रिकॉल एक्सरसाइजेस एंड डू इट. यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इट एंड यू कैन प्रैक्टिस इट एट योर होम. नाउ वील सी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. हम इनको कैसे ऐड करेंगे और कैसे माइनस करेंगे, तो क्योंकि डिनोमिनेटर्स लाइक फ्रैक्शंस के सेम हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस आर वेरी इजी, उसमें हम सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर को कॉमन रख के. सो हमने इसको कॉमन रख दिया एंड जो ऊपर के न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड कर दिया. सो आंसर इज सिंपली 5/8. तो इसी तरह से अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें तो हियर वी मेक अ सर्कल, डिवाइड इट इन टू 8 पार्ट्स. ओके, एंड अब 8 पार्ट्स का हम 3 पार्ट अलग शेड किया और 2 पार्ट अलग शेड किया. एंड व्हेन एंड देन फॉर एडिंग दिस फ्रैक्शन वी हैव टू ऐड दीस कलर्ड पार्ट्स एंड 2 1 2 3 4 5. सो इट मेक्स 5 एंड द आंसर इज 5/8. सो इट्स वेरी सिंपल. नाउ बट हाउएवर अगर हमें अनलाइक फ्रैक्शन को एड करना है, सो वॉट इज इन अनलाइक फ्रैक्शन, ऑब्वियसली द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. तो हम इसको क्या करेंगे, वही मेथड अप्लाई करेंगे जहां पे हमने कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन में अप्लाई किया था. तो हम उसको पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे जिसमें एक कॉमन डिनोमिनेटर होगा. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया था, हमने उसका एलसीएम फाइंड आउट किया था. तो जैसे 1/3 और 1/5 है, इसका एलसीएम हो गया 15. एंड नाउ टू गेट 15 एज डिनोमिनेटर हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 15 आएगा. तो इसका 5/15 आ गया एंड 1/5 को करने के लिए 3/15 आ गया. देन वी विल ऐड बोथ ऑफ देम बिकॉज वी हैव गॉट नाउ अ लाइक फ्रैक्शन एंड इसका आंसर है 8/15. सो आंसर वुड बी 8/15. अब आ जाइए मिक्स फ्रैक्शन पे. सो मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए व्हाट कैन वी डू, देर आर 2 मेथड्स. तो हम क्या करेंगे, दो मेथड्स में से पहला मेथड देखते हैं. इसमें जो होल नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 होल नंबर है, तो उनको ऐड करेंगे एंड फ्रैक्शंस को सेपरेटली, उनको अलग अलग ऐड करेंगे. ठीक है, तो 3 एंड 2, हमने पहले 3 और 2 को प्लस कर दिया, देन इसके जो फ्रैक्शंस हैं इनको हमने ऐड कर दिया. सो 3+2 इज 5 एंड ये जो फ्रैक्शन हम अगर ऐड करेंगे, सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन. सो वी विल फर्स्ट टेक आउट द एलसीएम एंड देन वी कैन ऐड देम इजिली. तो इसलिए अब हमें जो आंसर मिलेगा हमको उसमें ये ऐड करने हैं दोनों. तो हमने ऐड कर दिया, 7/8 आ गया. सो द आंसर वी गेट इज 5/7/8. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड. बट व्हाट आई प्रेफर इज द सेकंड मेथड. सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. सो एज आई हैव टॉट दैट इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 × 4 + 3. सो वी गेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम. एंड इसका भी हम सेकंड जो है उसका भी कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन का. सो वी गेट 17/8. अब क्या है यहाँ पे, इनका हम क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शंस आ गए, सो वी विल हैव टू फाइंड द एलसीएम. वी गॉट द एलसीएम एंड देन वी कन्वर्टेड इट इनटू द लाइक फ्रैक्शन एंड वी